हेलो बच्चे रौनक, हाउ आर यू? रौनक, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके फाइन। ओके, मेरा ऑडियो वीडियो और स्क्रीन तीनों क्लियर है? रौनक, यस सर। ओके, यू कैन ऑल्सो स्विच ऑन योर वीडियो। रौनक, ओके रौनक, इज ऑल गुड? ओके फाइन। सो टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आपने अभी तक कुछ स्टार्ट किया नहीं होगा क्लास 10th में, आई गेस। अच्छा, फाइन फाइन फाइन, ओके। सो पहले आपको मैं आइडिया दे दूं कि क्लास 10th में हमें पढ़ना क्या क्या है। देखो बच्चे, क्लास 10th में अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में आपके टोटल 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। लास्ट ईयर 4 हो गया था, एक चैप्टर डिलीट हो गया था, ठीक है। जो फर्स्ट चैप्टर आपका फिजिक्स का है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, जो हम आज स्टार्ट करेंगे। पहले आपको सिलेबस का ब्रीफली आइडिया देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है रौनक? द सेकेंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स जो हम लोग पढ़ेंगे, दैट विल बी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। थर्ड चैप्टर इज लाइट, और लाइट के अंदर दो टॉपिक्स मिलेंगे आपको पढ़ने। एक मिलेगा लाइट रिफ्लेक्शन, एनसीईआरटी में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक ही साथ है, बट कुछ रेफरेंस बुक्स के अंदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अलग है, बट क्योंकि एनसीईआरटी हमारा टेक्स्ट बुक है तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, रिफ्लेक्शन। एंड द सेकेंड वन इज रिफ्रैक्शन, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। एंड चैप्टर नंबर 5 इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो फिजिक्स में टोटल 5 चैप्टर्स मिलेंगे आपको, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड एंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इस साल जो पेपर होगा मई में, उसमें दो चैप्टर्स, एक्चुअली दो नहीं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी कंप्लीटली डिलीट हो गया था और ह्यूमन आई का पार्ट डिलीट, का हाफ पार्ट डिलीट हो गया था। बाकी ये 3 चैप्टर्स एज इट इज थे, ठीक है। केमिस्ट्री में जो आपको पढ़ना है क्लास 10th के अंदर, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री इज केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन, जो आपके बुक टेक्स्ट बुक में दिखेगा, फर्स्ट चैप्टर वही है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। अपने माइक ऑन रखिए रौनक, है ना? केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन इट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, और आपके टेक्स्ट बुक का भी फर्स्ट चैप्टर यही है। सेकेंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। आप क्लास 9th में जब फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस पढ़ रहे होंगे, उसी का एक स्टैंडर्ड पार्ट है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। यहाँ पे भी हम केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट इसका सेकेंड चैप्टर है, एंड केमिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है बच्चे। चैप्टर नंबर 4 इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एंड चैप्टर नंबर 5 ऑफ केमिस्ट्री इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट्स।
पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये टोटल पांच चैप्टर्स है आपके। इस साल जो मई में पेपर होगा उसमें कुछ चैप्टर्स डिलीट हुए हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का हाफ पार्ट अकरेंस ऑफ मेटल्स वाला डिलीट हो गया है, कार्बोनेट्स कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिलीट हो गया है, और बाकी सारे तीनों चैप्टर्स एज इट इज थे। बायो के अंदर भी आपको इसी तरीके से पांच चैप्टर्स मिलेंगे। लिविंग लाइफ प्रोसेस होगा, इसके बाद फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, और इसके बाद फिर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन होगा, और इसके बाद फिर मैनेजमेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट होगा एंड मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। टोटल पांच छह चैप्टर्स बायो में है। सो इन टोटल साइंस के अंदर टोटल 15-16 चैप्टर्स है साइंस के अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और फिजिक्स में आपके पांच है, केमिस्ट्री में आपके पांच है, रिमेनिंग छह जो है वो बायो के हैं। ठीक है रौनक, दिस इज द ओवरऑल आइडिया ऑफ योर सिलेबस जो आपको पूरे साल में साइंस के अंदर पढ़ना है। ठीक है, हमने ये डिसाइड किया है कि आज आपकी जो क्लास है वो फिजिक्स की है, तो हमने ये डिसाइड किया कि फिजिक्स में चैप्टर नंबर वन आज स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चे, हालांकि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्लास एट्थ में भी ऑलरेडी आप पढ़े होंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, वहां भी चैप्टर का नाम होगा केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट, याद है रौनक? Yes. क्लास एट्थ में पढ़ा होगा, तो केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट का ही पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ी सी चीजें इसमें और एडिशनल पढ़ेंगे, बट स्टिल जो बेसिक आइडिया है वो यही है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट वाला ही बेसिक आइडिया है यहाँ पे भी। ठीक है, सो आई विल स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ओके, देखिए इलेक्ट्रिसिटी को भी मैं अगर एकदम बेसिक से पढ़ाऊं तो इलेक्ट्रिसिटी के आपको दो सेक्शन मिलते हैं पढ़ने के लिए। आई एम श्योर क्लास एट्थ में जो पढ़ा था आपको याद होगा, दैट सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सेवेंथ में भी पढ़ा होगा और एट्थ में भी पढ़ा होगा, है ना रौनक? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा सेक्शन है जो हमें यहां पे पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो यहाँ पे जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें मेनली करंट का जिक्र करेंगे कि करंट कैसे फ्लो करता है, करंट क्या होता है, करंट की यूनिट क्या होती है, करंट को रिप्रेजेंट कैसे कैसे करते हैं, करंट को मेजर कैसे करते हैं, जब सर्किट में करंट फ्लो करती है तो कौन कौन सी चीजें उसके अंदर और भी डेवलप होती है, ये सारी चीजें हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले सेक्शन में पढ़ेंगे क्लास टेंथ के अंदर। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी इलेक्ट्रिसिटी का ब्रांच था जो आपने क्लास एट्थ में ऑलरेडी पढ़ा, और उसमें ये पढ़ाया गया होगा कि दैट इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस एट रेस्ट, आपको मैं एग्जांपल से बताता हूं बेटा। आपको एग्जांपल याद होगा कि जब क्लास एट्थ में पढ़ा होगा तो एक एग्जांपल बड़ा कॉमन होगा, दैट इज कोम्ब वाला, कि जब अपने कोम्ब को रब करते हो बालों में तो पेपर पार्टिकल्स को वो चिपका लेता है, याद है? एग्जैक्टली, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का सबसे सटीक एग्जाम्पल है। क्यों है? स्टैटिक का मतलब क्या होता है बेटा? स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। कोई चीज स्टैटिक है मतलब रुकी हुई है। जैसे इस वक्त आप स्टैटिक है, इस वक्त मैं स्टैटिक हूं, इस वक्त आपके कमरे की सारी चीजें स्टैटिक है, मेरे अराउंड सारी चीजें स्टैटिक है, ओके? और करंट का मतलब होता है मूविंग या मूवमेंट। जो चीज मूविंग होती है, मूवमेंट करती है, उसको हम लोग करंट के नाम से डेनोट करते हैं। ये करंट स्पेसिफिकली कुछ जगह पे यूज होता है, जैसे वाटर करंट, जब पानी फ्लो करता होता है तो कहते हैं वाटर करंट, और जब चार्जेस फ्लो होंगे तो कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ओके। सो इलेक्ट्रिसिटी का वो ब्रांच जो चार्जेस एट रेस्ट से डील करता है उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का वो ब्रांच जो चार्जेस इन मोशन से डील करता है उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मैं सब आपको एग्जांपल दे दे के समझाऊंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चे, आप याद करो जब आप कोम्ब को रब करते थे अपने बालों में तो जिस साइड से रब करते थे पेपर के पास ले जाने पे उसी साइड से चिपकता था ना पेपर, या दूसरे साइड से? उसी साइड से करेगा ना। क्यों करेगा? क्योंकि जिस साइड से आप बालों में रब करोगे वही साइड आपके रबिंग की वजह से चार्ज हो जाएगा और वो पेपर को चिपका लेगा। जब ऑपोजिट साइड पेपर के पास ले जाओगे तो पेपर में कोई एक्शन नहीं होगा, कुछ चिपकेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि जिस साइड से आपने मान लो ये साइड जो मैंने रब की है, मान लो ये मेरा पेन है, मैंने इधर से रब किया, तो इस साइड से रब हुआ, तो जो चार्ज यहाँ पे डेवलप हुआ वो चार्ज यहीं पे रह गया, वो फ्लो करके दूसरे एंड पे नहीं आया, जहां पे डेवलप हुआ वहीं पे रह गया। तो जब भी दो चीजों का आप रब करते हो तो रबिंग की वजह से जो सरफेस कॉन्टैक्ट में आया सिर्फ वही चार्ज हुआ, ठीक है, और वो चार्ज फ्लो करके दूसरे एंड पे नहीं पहुंचा। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज रेस्ट पर है, चार्ज रुका हुआ है, चार्ज मूविंग नहीं है, ठीक है। तो जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या बोला मैंने रौनक, कि व्हेन यू रब योर कॉम्ब इन योर हेयर द कॉम्ब गेट्स चार्ज एंड दैट कॉम्ब इज एबल टू अट्रैक्ट द पेपर पार्टिकल्स। ओके, बात समझ आ रही है? अपना माइक ऑन रखें और रेस्पॉन्ड करें रौनक। यस सर। ओके, वेरी वेरी गुड। एंड अगर ऐसा हो कि चार्जेस फ्लो करके एक एंड से दूसरे एंड पे चले जाए, तब उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, है ना। जैसे आप मोबाइल का एडाप्टर जब प्लग में लगाते हो, स्विच ऑन करते हो, तो चार्ज फ्लो करके आपके मोबाइल में आ जाता है, मोबाइल धीरे धीरे चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो कंडक्टर के थ्रू, एक वायर के थ्रू आया ना, तो चार्ज फ्लो कर रहा है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड एज करंट। जब चार्ज फ्लो कर जाए तो करंट, नहीं फ्लो कर रहा है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बेटा। ओके, अब एक सिंपल सी बात देखिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या कॉमन है? इलेक्ट्रिसिटी वर्ड दोनों में कॉमन है ना, और दोनों के डेफिनेशन में क्या कॉमन है? दोनों के डेफिनेशन में चार्ज कॉमन है, यहां भी चार्ज है, यहां भी चार्ज है, ठीक है। स्टैटिक का मतलब है रेस्ट और करंट का मतलब है मोशन, और इलेक्ट्रिसिटी मींस क्या हुआ? चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी मींस चार्ज। तो कई बार किताबों में लिखा होता है और बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज। नहीं, ये गलत है। इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट मीन फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स प्रेजेंस ऑफ चार्ज। जहां भी चार्ज होगी इलेक्ट्रिसिटी होगा, अगर वो चार्ज रेस्ट पे है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, अगर वो चार्ज मोशन में है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन चार्ज के होने से इलेक्ट्रिसिटी होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स रौनक प्रेजेंस ऑफ चार्ज। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इट मीन्स प्रेजेंस ऑफ चार्ज। चार्ज वेयर देयर इज चार्ज देयर इज इलेक्ट्रिसिटी, वेयर देयर इज चार्ज देयर इज इलेक्ट्रिसिटी। If the charge is at rest, that is static electricity. If the charge is moving, that is current electricity. ठीक है? Fine. Question arise ये होता है कि charge क्या होता है? What is charge? बार बार मैं charge की जिक्र कर रहा हूँ, but ये charge है क्या? What do you mean by charge? बच्चे simple सी बात समझिए, जब भी किसी दो body को आप rub करते हैं तो रब करने से क्या होता है? आपको मैं चार्ज की एग्जांपल देता हूँ, चार्ज की एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने कोम को रब किया तो चार्ज हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। अब सर्दियों में अगर स्वेटर पहने होते हैं बहुत देर तक, और जब स्वेटर को खोलते हो तो क्या कुछ स्पार्क्स टाइप निकलता है कई बार? हुआ है फील? हाँ, तो क्या हुआ, जब आप स्वेटर पहने थे, बहुत देर तक पहने हुए थे, तो स्वेटर आपके बॉडी से घिस घिस के रब हो के घिस घिस के चार्ज हो गया, है ना। या कई बार बहुत देर तक आप ब्लैंकेट में, जो वुलन ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट में बहुत देर तक बैठे रह जाओ तो ब्लैंकेट भी चार्ज हो जाता है आपके बॉडी से घिस घिस के, ठीक है। तो चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज एक वैसी इंटाइटी है, एक वैसी फिजिकल क्वांटिटी है जो तब अराइज होती है जब दो बॉडी को रब करते हैं। जब भी दो बॉडी को रब करते हैं बॉडी चार्ज हो जाती है, ठीक है। और रब करने से क्या होता है? रब करने से क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है।
हाँ नहीं, रब करने से क्या होता है कि आपको पता है ना बेटा कि हर चीज तो एटम से बनी है, और एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम दो बॉडी को रब करेंगे तो उनके एटम्स एक्चुअली में रब होते होंगे, और उन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली में वो रब होता होगा। ऐसी होता होगा ना, एकदम डेप्थ में जाके सोचोगे, माइक्रोस्कोपिक व्यू सोचोगे, ऐसी होता होगा ना कि बॉडीज को रब करने से, बॉडी के सरफेस को रब करने से सरफेस का एटम रब होता होगा, और जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में रब होते होंगे। ये होता होगा ना रौनक। सर सिंपल है कि एक एटम है, इस एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा बॉडी है, ये सेकेंड बॉडी है, इसका एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम दो बॉडी को रब करते हैं, जब दो बॉडी को हम रब करते हैं तो रबिंग के टाइम पे इनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में रब होते हैं। और हमें ये भी पता है रौनक कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से बंधे होते हैं, ये सब क्लास 9th में पढ़ा था आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के चैप्टर में, है ना। हाँ, एटम्स इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस से बंधे होते हैं। अच्छा, हर न्यूक्लियस का साइज बराबर होता है या हर इलेक्ट्रॉन के बीच में न्यूक्लियस का फोर्स बराबर होता है या अलग अलग हो सकता है? आपने पढ़ा है हर डिफरेंट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, एटॉमिक नंबर अलग होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी अलग होगा, न्यूक्लियस की साइज भी अलग हो जाएगी, है ना बेटा। हाँ, तो हर एक एलिमेंट के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की फोर्स बराबर नहीं होती है, किसी में ज्यादा किसी में कम, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग होगा वो कमजोर वाले को उसके सरफेस से निकाल लेगा। सिंपल है ना बेटा, दो लोग लड़ रहे हैं तो जो है स्ट्रॉन्ग होगा वो जीत जाएगा। सिंपल है ना, दो लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं और एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, कौन खींच पाएगा? जो ज्यादा स्ट्रांग होगा। सिंपल, तो दो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड कर रहे हैं, घिस रहे हैं, रब कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन मजबूत होगा वो कमजोर वाले को उसके सरफेस से निकाल लेगा। और जैसे ही सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकला, बॉडी चार्ज कहलाएगी। तो जब हमने बालों में कोम्ब को रब किया तो कोम्ब के रब करने से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हो गया, इसके वजह से कोम्ब चार्ज हो गया। एक्चुअली में कहानी ये होती है, आप समझे। हाँ, आप ग्लास रॉड को रब करोगे फर से तो वो भी चार्ज हो जाएगा, सिल्क से रब करोगे प्लास्टिक रॉड को तो वो भी चार्ज हो जाएगा। तो जब भी दो बॉडीज को रब करते हैं, रबिंग से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और फिर बॉडीज चार्ज हो जाती हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो बॉडी चार्ज होगी। क्लास 9th में पढ़ा था ना रौनक कि जैसे मान लो एक, हाँ, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 281, और क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर है 17, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 287, है ना। तो जब इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, है ना बेटा, और क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, है ना। तो एक, जब भी जिस तरीके से आयन का फॉर्मेशन होता है, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन, वैसे ही चार्ज का फॉर्मेशन होता है। तो जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आयन का है केमिस्ट्री में, वही कॉन्सेप्ट आप फिजिक्स में चार्ज का समझ के चलो, कि इलेक्ट्रॉन के आने जाने से बॉडी चार्ज होगी, जैसे इलेक्ट्रॉन के आने जाने से आयन बना था, ठीक है बेटा रौनक। यस सर हाँ, अब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा बेटा, सोडियम प्लस बनेगा माइनस बनेगा, प्लस बनेगा। प्लस बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इलेक्ट्रॉन कम होगा तो प्रोटॉन ज्यादा हो गया, तो प्रोटॉन एक ज्यादा है तो Na+1, और क्लोरीन Cl-। तो जिस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ आयन होता है वही अंडरस्टैंडिंग है चार्ज की, ठीक है। देखो मैं लिख देता हूं, अंडरस्टैंडिंग
ऑफ आयन इज सिमिलर टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ चार्ज. ठीक है, तो जिस तरीके से आयन का फॉर्मेशन होता था ट्रांसफर ऑफ चार्ज से, वैसे ही चार्ज का फॉर्मेशन होगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से. आगे बढ़ूं? यस सर. ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ चार्ज इज बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दो तरीके से हो सकते हैं, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा. जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा बेटा तो वो बनेगा पॉजिटिव चार्ज, जैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव आयन बनता था कैटायन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो इससे एक और चीज हमें पता चल गया कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. ठीक है यार रौनक? यस सर. ओके, अब मैं चार्ज का डेफिनेशन लिखता हूं. देखो, द फिजिकल एंटिटी विच अराइजेस due to the deficiency of the physical entity which arises due to the deficiency or excess of electrons. जब electrons की deficiency होगी या electrons ज्यादा होगा, excess मात्रा में होगा, तो body charge होती है. Which arises due to deficiency or excess of electrons called as charge. Called as charge. ठीक है बच्चे, चार्ज को हम डेनोट करते हैं स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से. ठीक है, चार्ज की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है कूलम. कूलम सी से डिनोट करते हैं. चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है. कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है. एग्जैक्टली, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी आप बखूबी जानते होंगे, क्लास नाइन्थ में पढ़ा था. वेरी गुड रौनक, एब्सोल्युटली फाइन. चार्जेस के दो टाइप्स हैं. पहला है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज के एग्जाम्पल हो गए जैसे प्रोटोन, एक पॉजिटिव चार्ज है, एंड नेगेटिव चार्ज के एग्जाम्पल हो गया इलेक्ट्रॉन. ठीक है बेटा. अच्छा, न्यूट्रॉन कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता. चार्ज नहीं होता है, ये गलत है. न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, न्यूट्रल है. न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, कि चार्ज नहीं होना. जैसे मान लो मैं कहता हूं कि एक बॉडी है और इस बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, क्या मतलब इसके कोई फोर्स नहीं लग रहा है? ये सोच के बोलना, सोच के सोच के. जब बैलेंस फोर्सेस होते हैं बेटा, जैसे मान लो एक फोर्स ये लगा F1 that is equal to 5 newton और एक फोर्स ये लगा F2 that is equal to 5 newton. बोलिए नेट फोर्स कितना होगा? जीरो. जीरो. तो क्या फोर्सेस नहीं लग रहे हैं? लग रहे हैं. तो नेट फोर्स जीरो होने का कभी मतलब ये नहीं है कि फोर्सेस नहीं है.
उसी प्रकार से न्यूट्रॉन के ऊपर नेट चार्ज जीरो है, चार्ज जीरो नहीं है, नेट चार्ज जीरो है। इसका ये मतलब नहीं कि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज, न्यूट्रॉन के पास चार्जेस हैं, न्यूट्रॉन के पास पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है और इक्वल क्वांटिटी में है, इसलिए नेट चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज जीरो, ठीक है। एंड इसलिए हम कहते हैं कि दैट न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट हैज नो नेट चार्ज। इट हैज नो चार्ज कहना गलत है, नो नेट चार्ज इज करेक्ट, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है बेटा। अच्छा इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है बेटा, पता है आपको? नेगेटिव। कितना चार्ज है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज। हाँ नेगेटिव तो नेचर ऑफ चार्ज है, बट कितना अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये नेगेटिव में 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। एंड चार्ज ऑन वन प्रोटॉन That is +1.6 × 10⁻¹⁹। दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है, बस डिफरेंस क्या है कि दोनों का नेचर अलग है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है रौनक? ओके। चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। There are various properties of charge. Various properties. The first property is that कि like charges repel each other, आप जानते होंगे बचपने से, बचपने मतलब class 7th-8th से, like charges repel each other and unlike charges attract each other. Unlike charges attract each other. For example, if I say that a body is positive charge and another body B is also positively charged, so definitely they will repel each other. Agar koi body A hai, wo negative charge hoti, body B bhi negative hoti, to kya tabhi ek dusre ko repel hi karte? Yes sir, repel hi hota. Exactly, very good. Another body P plus Q minus, तो क्या एक दूसरे को attract करते, very very good रौनक। And P minus और Q plus होता तो तभी क्या attract ही करते? Attract. Very very good, तब भी attract ही करते। तो ये charge की पहली property है। Charge की जो दूसरी property है, that is charges are conserved. इसका सिंपल सा मतलब समझना रौनक, charges conserve, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि एनर्जी कंजर्व होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम भी कंजर्व होती है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये सब टॉपिक्स क्लास 9th में पढ़ा होगा। उसी तरीके से चार्ज भी कंजर्व होती है, मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी पे कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज है, अगर उसने किसी को दे दिया तो नेट चार्ज ऑन द बॉडी विल बी जीरो ना। जैसे किसी एक बॉडी ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, दूसरे ने दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो नेट चार्ज ऑन द होल सिस्टम इज जीरो, सिंपल, यानी चार्ज कंजर्व रहा। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये एक सिस्टम है, सिस्टम का मतलब है जिसके अंदर कई सारी बॉडीज होती हैं, ठीक है। इसमें एक +2 कूलम का चार्ज है मान लीजिए कोई एक बॉडी, दूसरा -8 कूलम का चार्ज है और तीसरा मान लीजिए +3 कूलम का चार्ज है, ठीक है। तीन चार्ज बॉडी है इसके अंदर, ठीक है। इसको ऐसे समझो, आपके जीन्स में मान लो चार पॉकेट्स हैं, ठीक है। पहले पॉकेट में 100 रुपए, दूसरे पॉकेट में 200 रुपए,
तीसरे पॉकेट में 50 रुपए और चौथे पॉकेट में 500 रुपए, टोटल कितने हो गए 100, 200, 50 और 500, 750 रुपए हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर तुम किसी एक पॉकेट से कुछ पैसे निकाल के दूसरे पॉकेट में डाल दोगे तो टोटल मनी जो आपके पास था क्या वो सेम रहेगा या बदल जाएगा? सिंपल सिंपल। तो अगर मैं किसी एक सिस्टम में कुछ चार्ज एक बॉडी से निकाल के दूसरे बॉडी को दे दूं तो टोटल चार्ज तो सेम ही रहेगा ना। एग्जैक्टली जैसे एनर्जी सेम था, मैंने किसी गेंद को हवा में उछाल दिया, हर पॉइंट पे उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल सेम रहती है, हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी सेम रहती है। सिंपल, जैसे एक खड़ी बॉडी है, एक बॉडी चल के आ रही है, दूसरे दोनों दूसरे को हिट करती हैं तो टोटल मोमेंटम सेम रहता है, वैसे ही टोटल चार्ज भी सेम रहेगा। जैसे मान लो उसी सिस्टम के अंदर मैंने क्या किया, +2 को बना दिया -7 कूलम, -8 को बना दिया +5 कूलम, तीसरा चार्ज कितना हो जाएगा, क्या आप निकाल सकते हो? क्या करेंगे, +2 -8 +3 = -7 + 5 + Q, ये तो होगा क्योंकि चार्ज कंजर्व है, तो दोनों चेंजेस करने के बाद भी टोटल चार्ज तो सेम ही रहना चाहिए। तो मैंने इन तीनों को जोड़ दिया टोटल चार्ज के लिए, इन तीनों को जोड़ा टोटल चार्ज के लिए, क्यू की वैल्यू क्या होगी बेटा, बोलो रौनक। हाँ, 5 + 3 = 8, 3 - 5 - 8 = -3 और ये होगा -2 और +Q एंड Q will be equal to -3 + 2 that is equal to -1 कूलम। रौनक मुश्किल था या समझ गए? वेरी गुड। द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, यानी कि चार्ज को हम क्वांटाइज कर सकते हैं, चार्ज की क्वांटिटी भी बता सकते हैं। अगर किसी ने कहा कि कोई एक बॉडी चार्ज है तो उसके ऊपर कितना चार्ज है वो चार्ज भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आगे हम बताएंगे आपको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज हैं चार्ज की। अच्छा, आगे देखो, अब किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग, किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं। एक मेथड तो मैंने पहले ही बताया कि जब दो बॉडी को आप रब करोगे तो बॉडी चार्ज हो जाएगी, है ना। तो पहला मेथड है वो सिंपल वही है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जिसको रबिंग भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, जो सेकंड मेथड है दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो तो कैसे चार्ज करते हो, कंडक्टिंग वायर के थ्रू करते हो, एक यूएसबी केबल होती है वो केबल चार्ज को ले आके मोबाइल में डाल देता है, तो वायर के थ्रू आप कंडक्शन के थ्रू चार्ज करते हो ना, तो दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, जो थर्ड मेथड है दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ आएगा जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ाएंगे आपको, तब वहां पे इंडक्शन प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इंडक्शन का मतलब होता है बेटा बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के चार्ज को ट्रांसफर कर देना। एक बॉडी है जो चार्ज है, दूसरी बॉडी है जो अनचार्ज है, जब दोनों को पास पास रखेंगे तो चार्ज वाले में से थोड़ी चार्ज अनचार्ज में ट्रांसफर हो जाएगी, ये इंडक्शन प्रॉपर्टी कहा जाता है। ये कैसे होता है ये आपको हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में थोड़ा बहुत बताएंगे। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट चार्ज। अब आते हैं बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसको मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा, जो आपके एग्जाम में भी सवाल आया हुआ है, फाइंड द चार्ज। देखो कैसे करेंगे, क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझते हैं। द टॉपिक इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैंने बोला कि क्वांटाइजेशन का मतलब होता है क्वांटिफाई करना, चार्ज की क्वांटिटी बताना।
क्वांटिफाई करना, और क्वांटिफाई मतलब होता है टू गिव क्वांटिटी। क्वांटिफाई का मतलब होता है टू गिव क्वांटिटी, चार्ज की क्वांटिटी बताने के तरीके को हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ओके रौनक? यस सर। ओके, हाउ कैन वी गिव द क्वांटिटी? रौनक समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, डेफिनेशन तो मैं लिखवा दूंगा, समझने की कोशिश करो पहले। मान लीजिए एक बॉडी है ए, ठीक है, दूसरी बॉडी है बी। अब जब दोनों चार्जिंग होंगे, चार्ज होंगे तो चार्ज कैसे होते हैं हमें पता है ना, चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना जरूरी है। अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे तो बॉडी चार्ज हो जाएगी, ठीक है, है ना, ओके। अब मान लो जो बॉडी ए है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है बॉडी बी को। जब बॉडी ए इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा तो बॉडी जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और बॉडी बी नेगेटिव चार्ज होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। अब हमें ये भी पता है रौनक कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, तो अगर बॉडी ए से बॉडी बी पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज होगा बॉडी ए और नेगेटिव चार्ज होगा बॉडी ई बॉडी बी। नहीं समझ में आया, इसको ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझिए कि मान लो फॉर एग्जांपल जितनी भी करेंसी है हिंदुस्तान के अंदर वो सारी करेंसी खत्म हो गई और सिर्फ 10 रुपए का नोट बाकी रहा, 100 का खत्म, 500 खत्म, 200 खत्म, सभी खत्म, 50 रुपीज भी खत्म, 5 रुपए भी खत्म, सारे सिक्के खत्म, सिर्फ क्या है, 10 रुपए का नोट है। ठीक है, तो अगर कोई तुमको पैसा देगा तो 10 रुपए के फॉर्म में ही देगा, ठीक है ना बेटा, ओके। अगर उसने एक नोट दिया मतलब उसका 10 रुपया कम, तुम्हारा 10 रुपया ज्यादा। अगर उसने आपको 5 नोट दिए तो उसका 50 रुपया कम, तुम्हारा 50 रुपया ज्यादा, है ना, हाँ। तो कैसे आपने बताया कि 50 रुपया कम 50 रुपया ज्यादा? मैंने इस तरीके से बताया कि अगर उसने 5 नोट दिए, हर नोट की वैल्यू 10 रुपये की है, तो 50 रुपये तो होंगे 5 × 10 सिंपल है ना। तो अब बॉडी चार्ज जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से होती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इतना चार्ज लेकर जाएगा, इतना चार्ज लेकर जाएगा। अगर दो जाएंगे तो इसका डबल, अगर 5 जाएंगे तो इसका 5 गुना, अगर 20 जाएंगे तो इसका 20 गुना, अगर 1 लाख जाएंगे तो उसका 1 लाख गुना। इसका सिंपल सा अर्थ यह है कि जब आप चार्जेस को या बॉडी को चार्ज करते हो तो जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन विल बी द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। बोलो समझ में आया रौनक? नहीं आया? आ गया। नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया ना? आ गया। पर इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होगा तो, हाँ देखिए, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अगर होगा तो इस ए के ऊपर प्लस ई चार्ज आ जाएगा, प्लस वन ई, इसके ऊपर माइनस वन ई चार्ज आ जाएगा। अगर एक के जगह मान लो 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होते तो इसके ऊपर प्लस 5e के बराबर चार्ज आता, इसके ऊपर माइनस 5e के बराबर चार्ज आता। अगर यहाँ पे 10^10e ट्रांसफर होते तो 10^10e चार्ज इसके ऊपर आता, माइनस 10^10e इसके ऊपर आता, ठीक है बेटा। और ये बार बार जो मैं ई लिख रहा हूँ, ये ई क्या है, ई का मतलब है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आया, 2, 5 गया तो 5 के बराबर चार्ज आया, 10 गया तो 10 गुना चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, है ना।
तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, सिंपल है ना बेटा। दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्या लिखेंगे हम डेफिनेशन, हम डेफिनेशन लिखेंगे द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मतलब कि हमेशा इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर इंटीजर के फॉर्म में होगी, एक इलेक्ट्रॉन या दो या पांच या दस कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता। कभी पॉसिबल है कि डेढ़ इलेक्ट्रॉन गए या ढाई इलेक्ट्रॉन्स गए, पॉसिबल नहीं है ना। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट का मतलब सबसे छोटा चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज कॉल्ड एज, कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एग्जैक्टली रौनक, समझ गए? माँ कसम। ओके वेरी गुड। चलो सो फॉर्मूला क्या आएगा रौनक, टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्टली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, टोटल चार्ज यानी कि चार्ज को डेनोट करते हम क्यू से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन यानी कि ई, तो क्यू इज इक्वल टू एन इनटू ई। ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला। ठीक है रौनक, अगर मैं क्वेश्चन दूं कि इफ 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी, फाइंड द टोटल चार्ज, फाइंड द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज की वैल्यू क्या होगी, कमॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, तो टोटल चार्ज की वैल्यू क्या होगी, टोटल चार्ज की वैल्यू क्या होगी, कमॉन। Q is equal to N into E, number of electrons 10 to the power 9 into charge on one electron is 1.6 into 10 to the power minus 19. ठीक है, आपको पता है कि जब बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं ना, तो ये और ये बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो क्या होगा 1.6 एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा, 10 टू द पावर 9 माइनस 19 दैट इज इक्वल टू 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 10। इतना आया आपका रौनक? यस सर। वेरी गुड, दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट। देखो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज, इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी किसी कंडक्टर में कितने चार्ज फ्लो हुए हैं एक सेकंड के अंदर, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, कई बार इसको किताबों में रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी लिखता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब भी वही हो गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है,
रेट हियर मींस डिवाइडेड बाय टाइम पर यूनिट टाइम, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं और चार्ज के लिए सिंबल है कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू भी यूज करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, टाइम के लिए सिंबल है टी। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी कि करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज का यूनिट होता है बच्चे कूलम और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कूलम अपॉन सेकंड, दैट इज कूलम पर सेकंड, एंड वन कूलम पर सेकंड इज इक्वल टू वन एम्पियर। जब एक कूलम का चार्ज किसी कंडक्टर में एक सेकंड में फ्लो करेगा वन एंड से दूसरे एंड, जैसे मान लो ये कंडक्टर है आपका और इस कंडक्टर में एक इस एंड से दूसरे एंड तक एक कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है कितनी देर में, एक सेकंड के अंदर। एक सेकंड में एक कूलम का चार्ज एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंच गया तो हम कहेंगे कि एक एम्पियर की करंट होगी। और एम्पियर क्या है, एम्पियर इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर करंट। एम्पियर इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर करंट, ठीक है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल। एक काम करो, इसके पहले एक और पॉइंट लिखो, चलो मैं पहले लिखता हूँ फिर लिखूंगा। फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट जाता है, ठीक है, क्योंकि कन्वेंशनली ऐसा हम मानते हैं कि दैट फ्लो ऑफ करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। करंट का फ्लो का मतलब है पॉजिटिव चार्ज का फ्लो। अब एक सिंपल सी बात समझो रौनक, ये आपका सेल है, क्या है आपका सेल है, और ये बड़ा वाला डंडा जो है दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और छोटा वाला डंडा इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल पे बेटा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, सिंपल बात है। तो तो जो करंट का फ्लो होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, जो करंट का फ्लो होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। क्यों, क्योंकि करंट का फ्लो जो है वो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो माना जाता है, ठीक है। तो करंट का फ्लो जो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। कहीं भी किसी भी चीज का फ्लो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे होता है, कभी भी ना। कोई एक गरीब आदमी क्या अमीर आदमी को पैसे दे सकता, नहीं दे सकता, क्योंकि अमीर के पास पैसे ज्यादा है तो अमीर ही गरीब को देगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। पॉजिटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज कम है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से ही पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा टू द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है रौनक। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सो आई इज इक्वल टू क्या आया, चार्ज अपॉन टाइम क्यू अपॉन टाइम। सो इफ आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी एंड वी ऑल्सो नो दैट क्यू इज इक्वल टू एन ई, सो आई विल ऑल्सो बी इक्वल टू एन ई अपॉन टी।
ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा. वेरी गुड. लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन दैट if a charge of 100 coulomb flows from one end of a conductor to the other end, one end of a conductor to the other end in one minute. Find the current. कितना करंट बनेगा अगर किसी एक कंडक्टर में एक एंड से दूसरे एंड पे चार्ज 100 कूलम फ्लो कर रहा है एक मिनट में, तो कितना करंट बनेगा बेटा? कैलकुलेट करिए. 1.6 एम्पियर. वेरी गुड. I is equal to Q upon T. Q is 100 कूलम. टाइम इज 60 सेकेंड्स ना. 0 0 कैंसल. 2 5 10, 2 3 6, दैट इज 1.67 एम्पियर. वेरी गुड रौनक. इफ आई आस्क यू अ डिफरेंट क्वेश्चन दैट how much time a charge of 16 millicoulomb, a charge of 16 millicoulomb will take to produce a current of 2 milliampere. Produce a current of 2 milliampere. 32 milliseconds. 32. Very good. Simple. I is equal to Q upon T. Q is 16 millicoulomb. Millisecond is second over, na? 2 milli, sorry. T. ठीक है. So, हाँ ठीक है. तो ये मिली एम्पियर इक्वल टू 16 मिली कूलम अपॉन टी. इसको एक काम और भी कर सकते हो थोड़ा सा इजियर होने के लिए. 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन टी और ये 2 इंटू 10 माइनस 3. सो टी इज इक्वल टू 16 इंटू माइनस 3. तो ये कैंसिल. कैसे किया रौनक? तुमने क्या कैलकुलेट किया? मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली हैं? चार्ज को करंट से मल्टीप्लाई कर दिया. आपको लगा करंट निकालना है? कंफ्यूजन नहीं कभी भी बेटा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं. टाइम लो 10 सेकंड 20 सेकंड, बट सही क्वेश्चन करना है. क्वेश्चन को सही से सॉल्व करना है. अभी मैं और भी क्वेश्चन दूंगा, एकदम बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं. चार्ज है, ये करंट है. I is equal to Q by T. This is charge upon time. करंट यहाँ पे, चार्ज यहाँ पे, टाइम यहाँ जाएगा तो ये नीचे आएगा. ये कैंसिल. 2 8 सेकंड. सिंपल. अब मैं बढ़िया वाला क्वेश्चन लिख देता हूँ. How much time will 10 to the power 15 electrons take to produce a current of 2 ampere? आराम से करिएगा बेटा, हैं जल्दबाजी में नहीं.
1.6 × 10^4/2 +4 − 4 -4 चेक कर लिया रौनक आराम से करो ना एन ई अपॉन टी राइट आपको टी कैलकुलेट करना है तो टी इज इक्वल टू एन इंटू ई अपॉन आई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10^+15 और ई यानी कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इट इज 1.6 × 10^-19 अपॉन टू डेसिमल हटेगा जीरो नीचे आएगा ये दोनों कैंसिल होंगे 10^-4 बचेगा है ना रौनक 2 8 16 8 अब ये 10 जाएगा ऊपर तो -4 बन जाएगा -5 नहीं आया समझ इसीलिए कभी भी जल्दबाजी में नहीं आराम से करो क्वेश्चंस बहुत हैं टाइम भी बहुत है आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं ऐसे क्या होगा ना कि जल्दबाजी में क्वेश्चन कर तो लिया टाइम तो सेव किया बट गलत हो गया उससे फायदा कुछ नहीं हुआ सेम यही प्रोसेस आपने यूज किया रौनक तो फिर आंसर गलत क्यों आया आपका बोलिए चलो एक और आखिरी सवाल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल कॉन्स्टिट्यूट अ करंट of 20 milliampere in 5 seconds 5 second mein 20 milliampere ko current banane mein kitne electrons lagenge रौनक हो गया 16 × 10^-15 ओके आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी एंड हियर एन इज इक्वल टू आई टी अपॉन ई ठीक है रौनक आई इज 20 मिली एम्पियर 20 × 10^-3 एंड टाइम टी इज 5 सेकंड्स अपॉन दिस इज 1.6 × 10^-19 ये दोनों कैंसिल होंगे 10^-16 बचेगा ठीक है डेसिमल जाएगा ऊपर एक जीरो भी आ जाएगा और 2 से 10 times में 2 से 8 times में 2 से 5 times में 2 से 4 times में 2 से 2 times में 2 से 5 times में तो ऊपर आएगा 5 × 25 × 5 = 125/2 × 10^-16 इट मीन्स 6.612 6 to 18
0.5 इलेक्ट्रॉन पर 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दिस इज द आंसर, ठीक है. हाँ, 62.5 इंटू 10 टू द पावर 16, सॉरी, इतना आंसर आएगा. दैट्स इट फॉर टुडे. यू विल सी अनदर टॉपिक्स, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओम्स लॉ इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है रौनक. यस सर.